Ladies and gentlemen. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will be talking about कि हम data में कैसे work कर सकते हैं, data को कैसे जान सकते हैं, data को कैसे देख सकते हैं अच्छे से. तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हम एक फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं. मान लो आपके पास एक सीएसवी फाइल है जिसको आपको रीड करना है, तो आपको क्या करना है, लिखना है डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी. जैसे आप डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी लिखोगे, वो सीएसवी फाइल को सर्च करेगा जो भी आपने पाथ दिया उस पाथ. तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपना पाथ डालना है. तो मेरे पास एक फाइल है जिसमें लिखा है nba.csv. तो मेरी फाइल कुछ यहाँ है, तो मेरे को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से लिखना है कॉपी पाथ. जैसे मैं कॉपी पाथ करूंगी, मुझे इस कोटेशन के अंदर इस पाथ को पेस्ट कर देना है. मेक श्योर कि कोटेशंस के अंदर है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, आप कोई भी कोट्स यूज कर सकते हो, उस कोटेशंस के अंदर होना चाहिए ये चीज. तो जैसे ही आप इसको लिख दोगे, आप इसको रन करोगे, तो बट रन करने के बाद आपके पास एक एरर आ सकता है इस केस के अंदर. लेट मी शो यू कि आपके कौन सा एरर आएगा. एरर जो होगा वो होगा सिंटेक्स एरर, यूनिकोड एरर. अब इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, इसी कोटेशन के बाहर यहाँ पे आपको लिख देना है आर. जैसे आप आर लिख दोगे, वो इस यूनिकोड एरर को रिमूव करता हुआ आपकी फाइल को इजीली रीड कर ले. सबसे पहली चीज, अगर मुझे ये चेक करना है कि मैंने जो डाटा अपलोड किया है वो सही से अपलोड हो गया है या नहीं, मुझे ये कैसे चेक कर सकती हूँ, मैं या तो मैं उसकी एक पहली लाइन को प्रिंट कर लूँ या पहली पांच लाइन. मुझे नहीं पता डेटा में कितनी लाइन है, पहली मुझे पांच लाइन प्रिंट करनी. तो पांच लाइन प्रिंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो df.head. df क्या है, df हमारा डेटा है, डॉट हेड एक मेथड है जिसके थ्रू आप फर्स्ट फाइव एग्जैक्टली पांच रोज को स्टार्टिंग की आप प्रिंट कर सकते हो. अब मैं इसको रन करूंगी, मेरे पास पांच रो आ जाएगी. मेरे पास पांच रो आ गई, 0, 1, 2, 3, 4 पांच रो हो गई, और पांच रो का ईच एंड एवरी कॉलम का डेटा भी मेरे पास आ गया. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है कि मैं लास्ट फाइव रोज को प्रिंट करती हूँ. तो लास्ट फाइव मतलब डॉट टेल मेथड. तो डॉट टेल मेथड हमारा लास्ट फाइव रोज, मतलब 457, 456, 455 और so on. ये हमारे लास्ट फाइव रोज प्रिंट करेगा. अब मुझे क्या चाहिए, कंसाइज समरी चाहिए मेरे डेटा के बारे में, कि डेटा है किस बारे में, कौन सा डेटा टाइप यूज हुआ है, कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन से नहीं. तो मुझे यूज करना है df.info. .info मेथड आपको एक कंसाइज समरी दे देगा. अब समरी किस टाइप की होगी, इन्फो, जो मैंने ऑलरेडी यहां पर प्रिंट करवाया है. इसकी क्लास क्या है, ये एक डेटा फ्रेम है, यस. इंडेक्स की रेंजेस क्या है, 458 एंट्रीज है इसके अंदर, जो स्टार्ट हो रही है 0 से एंड हो रही है 457 तक. टोटल जो है 458 एंट्रीज है. डेटा कॉलम जो है टोटल 9 कॉलम्स है. 9 कॉलम्स यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं. इसमें नॉट नल वैल्यूज, किसी में कोई नल वैल्यूज हैं, अगर हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. 457 डेटा है हमारे पास टोटल, जिसमें से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉलेज वाले कॉलम में कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो मिसिंग है. ये नॉट नल वैल्यू का डेटा देता है कि इतनी वैल्यूज नॉट नल है. डेटा टाइप आपको बता देगा, और डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब जनरली कितने जो हैं वो फ्लोट टाइप के हैं, कितने जो हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप के हैं, वो भी आपको दिखा देगा. मेमोरी कितनी यूज हुई है ये भी आपको शो करेगा. तो ये आपको एक कंसाइज समरी देता है आपके डेटा के बारे में. अनदर इज कि आपको डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स चाहिए, कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी, कितनी वैल्यू काउंट्स है, एंड सो ऑन. मिनिमम वैल्यू 50% वैल्यू कौन सी है. ऐसी अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको क्या करना है, यूज करना डॉट डिस्क्राइब मेथड. अभी हमने यूज किया था डॉट इन्फो, ये है डॉट डिस्क्राइब, जो आपको स्टेटिस्टिकल वे में आपको डिस्क्रिप्शन देगा. तो लेट्स रन दिस. तो मेरे पास आउटपुट में क्या है, ये मेरे पास कुछ कॉलम्स है. इन्हीं, ये पहली बात तो किन के बारे में देगा, जो न्यूमेरिकल डेटा होंगे, न्यूमेरिकल डेटा के बारे में देगा. तो जैसे एज हो गया, नंबर हो गया, वेट हो गया, सैलरी हो गया, ये न्यूमेरिकल डेटा है. तो इनके बारे में ही हमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल समरी दे सकता है. तो उसमें क्या दिया है इसने, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम, 25%, 55%, 75% एंड मैक्स, ये कुछ वैल्यूज हमें इसने दिए. अब मुझे ये चेक करना है कि मेरे डाटा में एक्चुअली में कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है. इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट शेप. ये कोई एक फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता है, तो इसमें आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है डॉट शेप, और आउटपुट हमारा यहाँ आ गया. अगर मुझे जानने कौन कौन से कॉलम्स है, तो df.columns, कॉलम्स के बाद यहाँ पे एक लिस्ट बना देगा वो मेरे कॉलम के नेम्स की, और मुझे आउटपुट में दे देगा. अगर मुझे ये चेक करना है कि जो लेबल है, मतलब जो इंडेक्सेस है, वो जो इंडेक्सेस है वो कौन कौन से, तो इंडेक्सेस में यहाँ पे मेरे को एक रेंज देगा, स्टार्ट हो रहा है 0 से, स्टॉप हो रहा है 548 से, और स्टेप जो है 1 है, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 457 तक जा रहा है. स्टॉप वाला हमें एक हमेशा ज्यादा देता है. अगर मुझे ये चेक करना है कि डेटा टाइप कौन कौन से हैं, किस कॉलम में, पर्टिकुलरली अगर मुझे सिर्फ डेटा टाइप जानने हैं, तो मैं क्या करूंगी, डी टाइप्स मेथड्स का यूज करूंगी, डॉट डी टाइप.
तो डॉट डी टाइप लिखते ही मेरे पास ये कुछ डेटा इस तरीके से आ जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट कर दो अपने व्यूज को। और ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यूज के बारे में बताया कि कैसे आप डेटा को व्यू कर सकते हो। तो इसी का पार्ट टू भी आने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा को अच्छे से जान सकते हो कि क्या डेटा है, क्या डेटा में है, क्या नहीं है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय।